Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. आज मैं बात करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में, which is like the talk of the town. हर इंसान इंस्टाग्राम पे इस ऐप के बारे में जानता ही है, बिकॉज इनके कैंपेन्स बहुत रन हुए हैं, प्लस द ऑफर. इस ऐप का सबसे बड़ा कैच है वो है इनका 75% ऑफर. आप देख सकते हो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया है इनके 75% ऑफ ऑफर का. मैंने दबा के शॉपिंग करी है, सो आई थॉट आई डू अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो विद यू गाइज. अभी बहुत लड़कियों को कन्फ्यूजन है इस ऐप के बारे में कि हमें मिल नहीं रही, शॉप कैसे करना है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रोडक्ट्स ओरिजिनल आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्रोडक्ट्स एक्सपायरी के पास तो नहीं है, बिकॉज काफ़ी बार जब ऐसी डील मिलती है ना तो हमें डर होता है कि प्रोडक्ट्स एक्सपायर तो नहीं होने वाले. तो मैं क्लियर कर देती हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड. ये सारी शॉपिंग मैंने अपने पैसे से करी है, ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है. सो आपको ब्रूटली ऑनेस्ट मेरा एक वर्जन दिखने वाला है इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले वापस आओ, सब्सक्राइब बटन पर हिट करो, बेल आइकन पर हिट करो, एंड नाउ लेट्स गो. सबसे पहले बात करते हैं इस एप्लीकेशन की. इस ऐप का सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो है कि ये ऐप खाली iOS यूजर के लिए अवेलेबल है. ये ऐप आपको iPhone के अलावा नहीं मिलेगी. Android में ये एप्लीकेशन अभी नहीं आई है, तो अगर आपके पास iPhone है आप तभी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो. और इनकी कोई वेबसाइट एंड ऑल भी नहीं है, खाली ऐप है. तो सबसे बड़ा डाउन साइड यही हो गया कि जो Android यूजर है वो नहीं यूज कर सकते. ऐप काफी कूल है, कल्ट ऐप इसका नाम है, KULT. मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगा. सो वंस यू ओपन इट, मैं यहाँ पर भी डाल दूंगी इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग. सबसे पहले आपको पेज दिखता है जो काफी मैगजीन जैसी फील देता है, ऐसा लगता है मैं कोई मैगजीन ओपन कर रही हूँ. इसमें आपको अलग अलग वीडियोस दिखते हैं, काफी एस्थेटिक ये ऐप बनाई हुई है, विच इज क्वाइट प्रिटी टू लुक एट. फिर सेकंड नीचे एक टैब है जिसमें अनलॉक योर स्किन्स फुल पोटेंशियल. सो इसमें आपको दिखेगा बेसिकली क्विज होती है, ये आपको आंसर करना है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट योर स्किन टाइप, एक्ने है, ब्लेमिशेज हैं, जो जो आपको स्किन इशूज हैं, जो वो भी आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे. आप बस टिक करते हो जो जो आपके इशू हैं, एंड देन यू कैन जस्ट सबमिट द क्विज. उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो बताएगी आपका पूरा स्किन टाइप के बारे में. इनका एक कोड जैसा जनरेट हो जाता है जो आपके स्किन टाइप और हेयर टाइप को बताता है. फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इनकी ऐप पर प्रोडक्ट खोलोगे ना, ये नीचे आपको बताएगा कि ये आपके लिए सूटेबल है. स्कोर होता है बेसिकली कि इसका स्कोर हाईएस्ट है आपके लिए तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, इसका स्कोर लो है तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है. मैंने ये ऐप का क्विज सेक्शन ट्राई किया हुआ और मैंने इस क्विज सेक्शन के थ्रू ही एक क्लेयर्स का लोशन मंगवाया था, मॉइस्चराइजर बेसिकली. इतना अच्छा नहीं लगा, वो काफी वॉटरी वॉटरी लोशन था. सो या आई एम नॉट 100% सैटिस्फाइड with the quiz thing. अगर आप ब्रांड्स के सेक्शन में जाओगे आपको काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखेंगे, लाइक सेरावी. सेरावी अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. इनके पास स्टार्टिंग में था, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया था ना 75 वाला कोड लगा के, स्टार्टिंग मैंने सेरावी का ही फेस वॉश मंगाया था, बट वो ऑर्डर कैंसिल हो गया. वो अपने आप इन्होंने कैंसिल कर दिया, मुझे रिफंड भी आ गया था और फिर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया और अब तक आउट ऑफ स्टॉक ही है. लाइक अगर मैं सेरावी पे क्लिक करूंगी ना, नथिंग इज अवेलेबल, कुछ अवेलेबल ही नहीं है. तो आई डोंट नो इन्होंने ब्रांड को फीचर क्यों किया हुआ है. सो अनदर डाउन साइड अबाउट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ब्रांड्स दिखती है लेकिन उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है. मैक्सिमम चीजें यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बिकॉज आई थिंक जब 75% ऑफ देते हो तो ऑब्वियस है यार, दुनिया तो टूटेगी उन चीजों पर. तो बहुत सारी चीजें भी आउट ऑफ स्टॉक है. इस ऐप पर बहुत लिमिटेड चीजें हैं, उस लिमिटेड चीजों में से आपको कुछ मिल गया तो मिल गया. सेम इन द केस विद मेकअप. मेकअप कैटेगरी में भी जब आप जाओगे ना, आप कुछ भी फाउंडेशन, कुछ भी शेड कैटेगरी का खोलोगे, शेड्स ही नहीं है. कंसीलर 2 शेड के, फाउंडेशन 3 शेड के. सो अगर बाय चांस को तुक्का लग गया तो लग गया. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने फर्स्ट टाइम शॉप किया था, मैंने मिलानी का कंसीलर मंगवाया था, वो थैंकफुली मुझे मेरे शेड के क्लोज मिल गया, तो या मेरा लक वहां पर चल गया, बट अदरवाइज शेड्स इतने नहीं है इनके पास. अब क्या होता है, जो कल्ट 75 कोड है ना वो फर्स्ट यूजर के लिए होता है, न्यू यूजर बेसिकली. सो आपने अपना iOS का कोई भी अपना फोन नंबर डाला, लॉग इन किया, आपके पास OTP आएगा, OTP से आपका लॉग इन हो जाएगा. लॉग इन करने के बाद जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे, आप शॉप करते टाइम जब कोड लगाओगे कल्ट 75, आपको 75% ऑफ मिलेगा अपनी पूरी कार्ट पर और इसका मैक्सिमम लिमिट है 2000 रुपीज ऑफ. तो अगर आप 5-6 हजार का ऐसा सामान ले लो और फिर आप सोचो 75% ऑफ हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट 2000 ही है, आप उससे ऊपर डिस्काउंट नहीं ले सकते. तो मैंने जितनी बार भी शॉपिंग करी है मैंने कोशिश करा है ऐसे 2000 तो मैं वसूल कर ही लूँ, बिकॉज इतना ऑफ मिल रहा है तो मैं लूंगी ना ऑब्वियसली. तो काफी बार मैंने 2-3 चीजें जबरदस्ती भी ले ली, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो ये जो कोड है ये न्यू यूजर कोड है. अब आपने जिस फोन नंबर से लॉग इन किया उससे ऑब्वियसली आप फिर उसको अवेल नहीं कर सकते. उसके बाद इनके काफी बार बीच बीच में ऑफर आते रहते हैं, ये अपने इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि हमारा ऑफर अभी दोबारा चल रहा है. वो होता है 50% ऑफ का, उसमें कोड लगता है cult50. वो कोड लगा के आपको चीजें 50% ऑफ में मिलती है. फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था 50% ऑफ पर और ये न्यू यूजर कोड नहीं है, ये आप कभी भी 50% ऑफ वाला अवेल कर सकते हो. मेरे फोन में है dual SIM, तो मैंने 2 बार अलग अलग फोन नंबर से लॉग इन किया, अलग अलग IDs मेरी बनी,
तो मैंने दो बार ऐसे करके कर्ल 75 कोड लगा लिया था। आई होप ये ब्रांड वीडियो ना देख रही हो बिकॉज यह काफ़ी अनएथिकल है, बट यार सब ऐसे जुगाड़ करते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सो मैंने दो बार कर्ल 75 वाला कोड अवेल कर ही लिया है। सो ये तो बात हो गई पूरी ऐप की, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं हॉल के साथ। सो सबसे पहले खोलते हैं वाला बॉक्स। अब पैकेजिंग की अगर बात की जाए, लवली पैकेजिंग, क्लासी पैकेजिंग में देते हैं और ये काफ़ी यूजफुल पैकेजिंग है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने फर्स्ट नहीं सेकंड जो क्लेयर्स का मेरा लोशन आया था ना, वो इतना बड़ा लोशन था तो ये इस बॉक्स में आया था, वो मैंने निकाल दिया है, वो नीचे रखा है, मैं लाना भूल गया, आई एम सॉरी। एंड आई विल शो यू कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया है। ये ऐसे मैग्नेटिक वाला बॉक्स है प्रॉपर, और मैंने इसमें डाल दी है अपनी चूड़ियाँ। कैसे खुलेगा यार ये, मैं गलत तरीके से खोल रही हूँ। सो आप इनकी ब्रांडिंग भी है कल्ट का, आपको ऐसे होलोग्राफिक प्रिंट मिल जाता है, लोगो मिल जाता है। एंड मैंने इसमें अपनी बैंगल्स डाल के रख दी है बिकॉज ये काफ़ी सही लगा मुझे, मुझे एक्जैक्टली इसी साइज़ का एक बैंगल बॉक्स चाहिए था। सो डेफिनेटली बॉक्स काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अननेसेसरी चीज़ मैंने आपको दिखा दी जो जरूरत नहीं थी, बट यार रिव्यू करना है तो मैं अच्छे से ही करूँगी। इनकी पैकेजिंग जो है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री है, तो इनकी पैकेजिंग में आपको बबल रैप्स एंड ऑल इतने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर पेपर रखा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा वो, और ऐसे आपके सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐसे पेपर रैप आते हैं। ओके सो अभी जो मैंने रिसेंटली शॉप किया है, सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी थी ना, उसकी मैंने रील बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। तब मैंने ऑर्डर किया था फर्स्ट टाइम मिलानी का कंसीलर, एक फेस शॉप का क्ले मास्क, और जो एक्ने का लोशन है वो कौन सा है जो मेरा फेवरेट है, मैं नाम भूल गई उसका यार, दैट इज़ माई फेवरेट एक्ने मॉइस्चराइजर, मैं उसका नाम बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, बड़ा अजीब सा नाम है उसका। वो चार चीज़ें मंगवाई थी और वो लिटरली मुझे 800-900 रुपए में चार चीज़ें मिली थी, जबकि कार्ट वैल्यू काफ़ी हाई थी। सो मैं सबके ना डिस्काउंटेड नहीं बता सकती, बट मैं आपको टोटल वैल्यू बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं पूरा 75% ऑफ लग के जो भी होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोडक्ट नंबर वन जो मैंने लिया है, ये जैसी स्टॉक में आया मैंने इनका ऐड देखा था, मैं इनके पेज को फॉलो करती हूँ, तो इन्होंने अपने भी रिसेंटली पोस्ट डाला था कि ये वाली क्रीम अवेलेबल है इन स्टॉक, एंड आई वाज लाइक अब मुझे लेना है। तो मैंने अपने दूसरे वाले नंबर से न्यू आईडी बनाई और ये परचेज किया। सो ये मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट क्रीम है, मैं आजकल बहुत देखती हूँ, आजकल क्या मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है ना वो ये वाली क्रीम यूज़ करते हैं। इसका नाम है एम्ब्रियोलिस लेट क्रीम, आई थिंक कुछ फ्रेंच ऐसे लिखा होता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस फ्रेंच। सो ये छोटी वाली क्रीम है, बड़ी वाली अगेन अवेलेबल ही नहीं थी इनके पास, ये छोटी अवेलेबल थी तो मैंने छोटी वाली ले ली। 75% ऑफ मिल रही है, क्या ही जा रहा है। सो इसका बिल्कुल वैसे बोरुलिन जैसी पैकेजिंग है, जैसे बोरुलिन की आती है ना ऐसे हार्ड वाली पैकेजिंग, और नीचे भी पूरा ये वाला सील है। ओ ये तो नीडल से हटेगा, ओके आई कांट शो यू द स्वॉच बिकॉज ये वाली जो सील है हाथ से नहीं रिमूव होती, इसके रिमूव हो रही है नहीं हो रही, आई थिंक इसके लिए मुझे वो होल पिंच करना पड़ेगा बिकॉज ये फॉइल वाली सील होती है। सो दिस इज द क्रीम, ये डेफिनेटली मैं ट्राई करके बताऊंगी कि इसकी क्या हाइप है ऐसी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड FCL फिक्स डर्मा कॉस्मेटिक्स लैब, ये है अल्फा बीटा एक्ने क्लेंजर, ये भी अवेलेबल था इनकी ऐप पर तो ले लिया, मतलब इनकी ऐप पर ना काफ़ी मारा मारी, आप कुछ दिख जाए और आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो तो आई वुड से ले लो बिकॉज अदरवाइज इतनी वैरायटी है नहीं, बहुत जल्दी इनकी ऐप पर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और फिर ये स्टॉक भी नहीं करते, वो चीज़ें आपको आउट ऑफ स्टॉक ही दिखती हैं, तो बहुत लिमिटेड आइटम्स थे। सो FCL इज अ ब्रांड जो मेरे डर्मेट ने रिकमेंड करी थी, मतलब उन्होंने मुझे बायोडर्मा का एक नाइट पील दिया था, उसके अलावा उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दिया था कि बायोडर्मा ना लेना हो तो आप FCL का एक और नाइट पील ले लो, तो मुझे FCL ब्रांड याद थी कि मुझे डर्मेट ने एक FCL ब्रांड रिकमेंड करी हुई है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने इसका फेस वॉश मंगा लिया कि चलो डर्मेट अप्रूव्ड सॉर्ट ऑफ ब्रांड ही होगी। तो ये उनका अल्फा बीटा एक्ने क्लेंजर है, मैं मॉर्निंग में जेंटल क्लेंजर यूज करती हूँ, लेकिन मैं रात को जब मुझे लगता है अगेन बंपीनेस है, मेकअप हैवी किया हुआ है, तो मैं ऐसी केमिकल एक्सफोलियंट वाले क्लेंजर यूज करती हूँ। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट अगेन। इसका एमआरपी काफी हाई था, दिस इज फॉर 1225 रुपीज, बट 75% ऑफ है यार, अच्छा डील पे मिल गया। रीसेंट वाले ऑर्डर में खाली मैंने यही दो आइटम्स मंगाए थे, इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि टोटल कितना है और 75% ऑफ करके मुझे कितने का पड़ा, अगेन अ स्टील डील। अब आ जाते हैं सेकंड बॉक्स पर जो मैंने इससे पहले शॉप किया था 2 या 3 वीक पहले, इन द सेम पैकेजिंग जो है, ये मैंने सारे खोल लिए थे बिकॉज 2-3 हफ्ते हो गए यार, इतना मैं वेट नहीं कर सकती। इसमें मैंने मेकअप भी मंगाया है, तो सबसे पहला मैं जो मैंने आइटम इसमें परचेज किया था वो है ये मीशा की परफेक्ट कवर बीबी क्रीम, ये बेसिकली कुछ इस तरह से दिखती है। दिस इज अ कोरियन ब्रांड, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मीशा करिए क्या ब्रांड है, बट मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी उसमें पता चला ये कोरियन स्किन केयर ब्यूटी ब्रांड है, और ये एक बीबी क्रीम है लेकिन ये SPF इन्फ्यूज्ड है, और SPF इन्फ्यूज्ड ऐसा वाला SPF नहीं है कि 10 या 20% SPF होगी, इसमें है SPF 42 with PA++, तो लिटरली अच्छी खासी आपको सन प्रोटेक्शन दे रही है। सो काफ़ी बार होता
आप कहीं ट्रिप ट्रिप पे गए हो, बाहर गए हो, आपको अननेसेसरी अलग से मेकअप नहीं करना, आप तो काफ़ी मेरे थोड़े से एक्ने का भी टचवुड कम हो रहा है ट्रीटमेंट से, तो मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप भी करना प्रेफर नहीं करती. सो मुझे लगा ये लेकर देखते हैं, बट अगेन शेड नहीं था. इनके काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, मैंने इस ब्रांड को ना गूगल पर सर्च किया पहले कि इनके शेड्स इतने आते हैं या नहीं, या फिर इनकी ऐप पर ही एक या दो शेड अवेलेबल है, बट इस ब्रांड के बहुत सारे शेड आते हैं, इनकी ऐप पर ही लिमिटेड अवेलेबल थे, तो जो अवेलेबल था क्लोज मैंने वो मंगा लिया. सो इसमें मैंने शेड ऑर्डर किया है नंबर 23 नेचुरल बेज. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, ऐसे पम्प सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है. एंड यहाँ पर मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ. आई थिंक सूट कर जाएगा, हल्का सा एक वाइट अंडरटोन जैसा मुझे फील हो रहा है, लाइक हल्का सा एक लाइट जैसा फील हो रहा है, बट मैं जब इसको ब्लेंड कर रही हूँ ना तो इतना बुरा नहीं लग रहा. लाइक लुक एट दिस, ब्लेंड करने के बाद ये इतना अजीब फील नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छे कवरेज तो दे ही रहा है मुझे. सो आई थिंक मैं काम चला लूँगी, अच्छी खासी सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और एक ऑब्वियसली कवरेज तो है ही, थोड़े बहुत जो एक्ने मार्क्स और ब्लेमिशेज हैं यहाँ पर वो भी कवर हो जाएंगे. कोरियन ब्रांड है तो आई कैन ट्रस्ट. इसमें फ्रेग्रेंस है जैसे वो मार्स स्विस ब्यूटी है, थोड़े से वैसे वाले फाउंडेशन आते हैं ना थोड़े लोअर वाले प्राइस पॉइंट में, इसकी वैसी पाउडरी वाली खुशबू है, विच इज स्ट्रेंज. आई थॉट कोरियन ब्यूटी ब्रांड है तो फ्रेग्रेंस फ्री सॉर्ट ऑफ होगी. इसके क्लेम में लिखा है मीशा एम परफेक्ट कवर बीबी क्रीम इनोवेटिवली पेयर्स मेकअप विद स्किन केयर दैट हेल्प्स ब्राइटन स्किन टोन, केयर रिंकल्स, प्रिवेंट साइंस ऑफ एजिंग, हील ब्लेमिशेस वाइल प्रोवाइडिंग एक्सलेंट कवरेज. सो ये बेसिकली क्रीम भी है, सन प्रोटेक्शन भी दे रही है और कवरेज भी दे रही है, ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है, मल्टी फंक्शन अपने आप को बोल रही है. सो आई डेफिनेटली ट्राई एंड रिव्यू फॉर यू गाइज इन फ्यूचर. एमआरपी इसका सेपरेट एमआरपी है 1590 रुपीज़, बट मैं आपको लास्ट में कार्ट वैल्यू दिखा दूंगी कि मैंने कितना पे किया. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है यह है कलर बार का, कलर बार एक्स जैकलीन का विंक विद लव 14 आवर स्टे आई लाइनर. दिस आर वट लुक्स लाइक, काफ़ी लग्जरी पैकेजिंग है इसकी बिकॉज ये उनका कोलेबोरेशन वाला प्रोडक्ट है जैकलीन के साथ. सो इट हैज़ दिस ड्रॉर सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग, आप यहाँ से ऐसे निकालोगे, देयर यू गो, देयर इज द प्रोडक्ट. एंड ये है एक पेन आई लाइनर इन द कलर नेवी नाइट 3. मैंने आपको बोला ना, अभी नहीं बोला, मंथली फेवरेट की वीडियो में बोला था जो मैंने अभी जस्ट शूट करी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ यार. सो आजकल मुझे ना कलर लाइनर्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं. आई फील लाइक ब्लैक से मेरा थोड़ा सा मन उठ गया, मैं कलर लाइनर्स ज़्यादा लगाना प्रेफर करती हूँ. अभी मैंने गोल्डन कलर का एक लाइनर लगाया हुआ है काफ़ी लाइट, बिकॉज या आई लाइक कलर्ड लाइनर्स नाउ डे. सो ये मैंने ब्लू कलर में मंगवाया है. एंड दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक. ओह इट्स नाइस, काफ़ी अच्छा ब्लू है, एकदम रॉयल ब्लू जैसा होता है ना. एंड द टिप इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, की टिप काफ़ी बड़ी है. यूजली जब फेल्ट टिप लाइनर आते हैं ना, उनकी टिप बहुत छोटी हार्ड होती है, तो उससे ना एंड में ऐसे वो विंग नहीं बन पाता बिकॉज वो ऐसी छोटी स्टिफ होती है. आई थिंक इससे मैं विंग निकाल सकती हूँ. फील्स लग्जूरियस बिकॉज अगेन कलर बार एक्स जैकलीन का कोलेबोरेशन वाला प्रोडक्ट है, तो काफ़ी लग्जूरियस है. कलर इज एक्चुअली वेरी नाइस, लाइक ड्राई आउट होने के बाद आप देखो कितना अच्छा मैट ऐसे ब्लू कलर आया है. एक बार ज़रा रब टेस्ट करके देखते हैं. सो मैं अच्छा खासा हार्शली प्रेशर लगा के रब कर रही हूँ, एंड यू कैन सी इतना तो नहीं हुआ, हल्का हल्का ऑब्वियसली स्मज हो गया है, बहुत लाइट हुआ है, लेकिन वो स्मज नहीं हुआ है, फेड हुआ है, हल्का सा जो कलर है वो ऊपर से फेड हुआ है, लेकिन स्मजिंग बिल्कुल नहीं हुई. कैन यू सी आसपास आपको कुछ भी स्मजिंग इतनी दिख नहीं रही होगी. सो डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. एंड इसका जो एमआरपी है वो है 795 रुपीज़. ये तो मतलब मैंने ज़बरदस्ती वो 2000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट लेना होता है ना, उसके लिए मैंने हरकतें करी हैं, अदरवाइज मेरे पास एक ब्लू लाइनर रखा है, मैं ऐसे लेती नहीं हूँ. दिस इज 14 आवर स्टे वाटर प्रूफ, ये वीगन है, हलाल अप्रूव्ड है, पैराबिन फ्री है, सर्टिफाइड विद लव है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है. दैट्स अ लॉट ऑफ क्लेम, बट या दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट. ओके, इसमें मैंने नेक्स्ट जो मंगाया है वो है ये क्या, ओ इट्स अ नेल पेंट. अगेन मैंने बोला ना वो 2000 तक का वसूल करना था, आई थिंक जो डिस्काउंट हो रहा था ना वो 1800 तक का हो रहा था. सो आई कुछ सस्ता ले लेती हूँ यार, 2000 तक का वसूल करना तो 2000 तक का ही वसूल करते हैं. आई एम लिटरली मोनिशा साराभाई, मैं पूरा से डिस्काउंट निचोड़ लेती हूँ. तो ये मैंने ली है नेल पेंट रेवलॉन की, यह कलर स्टे जेल एन वी लॉन्ग वेयर नेल इनामल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें मिल रहा था ये न्यूड कलर, और न्यूड कलर मिल रहा और मैं ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड ये काफ़ी प्यारा न्यूड कलर है, लिटरली वो जो लाइट वाला एकदम न्यूड कलर होता है ना, ये वैसा है जो दिखता भी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा एक नीट लुक देता है आपके नेल्स को. सो इसको जो मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगी, अभी कर लेते हैं ना, फ्यूचर में क्यों करना, नेल्स तो मैं यूज़ करके दिखा ही सकती हूँ. सो लेट मी जस्ट सी, वो इट्स नाइस, काफ़ी लाइट वाला न्यूड है. मैं थोड़ा सा पिंक टोन में लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉपर लाइट वाला न्यूड कलर है, बट इट्स गुड यार, डिस्काउंट करके क्या ही जा रहा है, मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया. और मैंने रेवलॉन के नेल पेंट कभी ट्राई नहीं किए थे. सो दिस इज़ हाउ द नेल पेंट लुक्स लाइक, कैन यू सी. सो ये मेरे रियल नेल्स का कलर है, और ये नेल पेंट के बाद देख रहा हूँ कितना प्यारा लग रहा है. मुझे ऐसे न्यूड शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इट्स लाइक जब कुछ मन नहीं होता ना तड़कता भड़कता लगाने का, मैं ऐसे न्यूड शेड लगाती हूँ और ये सारे आपके आउटफिट्स पर जाते हैं, सुंदर भी लगते हैं. द क्वान्टिटी इज़ नाइस,
नाइस, लाइक नेल पेंट की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है. मुझे उनकी ऐप पर ऐसे छोटी सी लग रही थी बट क्वांटिटी इज डिसेंट इनफ. इसका जो शेड है वो है, व्हाट इज द शेड नेम, इसका शेड नेम है जेल एन वे परफेक्ट पेयर. इसका नाम है परफेक्ट पेयर, इसका शेड नेम है. एंड इसका जो MRP है वो है 399 rupees. 399 तो मैं कभी नहीं देती फुल प्राइस इसके, बट ठीक है डिस्काउंट करके हो गया. ओके सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. हो गया खत्म, सारे पेपर ऊपर निकल गए और तो कुछ नहीं है. काफ़ी बार ऐसे नीचे नीचे से कुछ निकल जाता है. ओ वी हैव बिल टू. ये तीनों जो सामान है मुझे पड़े हैं 784 rupees के टोटल. आपको अलग अलग अमाउंट मैंने सबका बताई दिया था और आप खुद देख सकते हो 784 में मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई. अब आ जाता है ये वाले बॉक्स पे जो मैंने 50% ऑफ पे लिया था. ये जब मैंने लिया मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे DM किया था इंस्टा पर कि कल्ट पर 50% ऑफ चल रहा है, आप कल्ट 50 लगा कर ले सकते हो. तो मैंने इंस्टेंटली इसी का ऑर्डर डाल दिया था बिकॉज ये मेरा खत्म होने वाला है. ये मुझे डर्मैट ने रिकमेंड किया हुआ प्रोडक्ट और ये मुझे एनीहाउ चाहिए था. जब खत्म होगा तो मुझे नेक्स्ट तो चाहिए ही ना यूज़ करने के लिए, तो मैंने फटाफट मंगा लिया. इसमें खाली एक प्रोडक्ट है ना, तो इसका साइज कुछ ऐसा है. इनके हर एक साइज के बॉक्सेस हैं, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है आप क्या मंगा रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट. इसमें डेफिनेटली मैं कुछ अपना स्टोर करके रखने वाली हूँ. आई लव द पैकेजिंग यार. आई थिंक कभी कभी तो इनकी पैकेजिंग के लिए कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए बिकॉज ऐसे मैग्नेटिक बॉक्स मिलते नहीं है. सो इसमें मैंने मंगाया है बायोडर्मा की नाइट क्रीम जो मुझे मेरे डर्मैट ने रिकमेंड करी है. एंड इट इज़ एक्सपेंसिव. मैंने जब वहाँ क्लिनिक पे ली थी ना उनसे, वो 2500 समथिंग की क्रीम है एंड काफ़ी तगड़ा फटका ना इसी क्रीम का लगा था, बट लेनी पड़ी. मैट ने बोला है यूज़ करनी है तो करनी ही पड़ेगी. अब मैं अपना तो कुछ ऐसे अलग से उनको नहीं बोल सकती ना कि मेरे पास ये रखा है मैं यूज़ कर लूँ. सो मैंने ये मंगवा ली 50% ऑफ पे. नॉट अ बैड डील. इमेजिन मैं उस टाइम अगर लेती तो मेरे दो आ जाते उस प्राइस पॉइंट में, बट चलो कोई नहीं. सो दिस इज द पिगमेंट बायो नाइट क्रीम. आपने मेरा रिसेंट ब्लॉग अगर देखा होगा लास्ट मंथ का, तो मैंने उसमें नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दिखाया था. उसमें यही नाइट क्रीम यूज़ करी थी. अभी तक तो सूट कर रही है. इसके साथ मैं एजिलिक एसिड का जो उन्होंने मुझे क्रीम ट्यूब दिया ना मिक्स करके लगाती हूँ नाइट टाइम पे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और मेरे साथ वाले घर में बैंड बजना शुरू हो गया बिकॉज वहाँ पे शादी है. तो उससे पहले मैं वीडियो रैप अप कर देती हूँ. सो वी आर डन विद द हॉल. जो फर्स्ट वाला कल्ट हॉल है उसकी मैंने रील बनाई थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दैट इज इट फॉर द वीडियो. ये सब कुछ मैंने शॉप किया. आप सब पूछते रहते हो क्या शॉप किया क्या शॉप किया. सो ये रहा मेरा वर्डिट. ओवरऑल आई वुड से अच्छी ऐप है. अगर आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है ना जो अवेलेबल है तो ले लो. बायोडर्मा की रेंज बहुत अच्छी है इस ऐप पर. बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, सीबीएम हाइड्रा मिल रहा है जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है. ये नाइट क्रीम बायोडर्मा के ऑयल प्रोडक्ट्स हैं. देन FCL के जो प्रोडक्ट्स हैं फिक्स डर्मा के, दो तीन और ब्रांड्स हैं, वो अच्छी मिल रही है आपको वैरायटी में. सो आई वुड से ले लो इनकी वेबसाइट से. 75% ऑफ पे तो स्टील डील है. किसी का भी आईफोन यूज़ कर लो, किसी का फोन नंबर लेके लॉग इन करके OTP कर लो. यार बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, आप कर सकते हो. सो यार दैट इज इट. ओवरऑल आई लाइक इट. डिलीवरी काफ़ी अच्छी है. आई एम नॉट श्योर कैश ऑन डिलीवरी है नहीं है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में मैंशन कर दूंगी बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ. अगर होगी तो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी. ओके आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो विद लॉट ऑफ बैंड बाजा एंड बारात बिकॉज बैकग्राउंड साउंड बड़ा मस्त आ रहा है. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे. और इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना कल्ट के लिए, अगर किसी का खराब भी एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना. मैंने अभी तक रिटर्न एक्सचेंज नहीं एक्सपीरियंस किया बिकॉज मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया. अगर आपने कुछ भी रिटर्न एक्सचेंज रिफंड कराया तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना. अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करो. आपके पास जो ज्ञान है इस ऐप के बारे में आप वो शेयर कर सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर. जस्ट हेल्प ईच अदर आउट. और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.